हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक कुमार सैनी आपके सामने रेडियोग्राफी इन हिंदी का 5 मिनट 5 क्वेश्चन सेगमेंट लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। एमपी पेप 2017 रेडियोग्राफर पेपर सॉल्यूशन की सीरीज का ये 6th वीडियो है। तो चलिए चलते हम क्वेश्चंस की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लोर ऑफ द डार्क रूम शुड बी ड्यूरेबल नॉट स्लिपरी इजिली क्लीन ऑल ऑफ द अबो। डार्क रूम का फ्लोर होना चाहिए, डार्क रूम का फ्लोर ड्यूरेबल होना चाहिए, नॉट स्लिपरी, स्लिपरी नहीं होना चाहिए, इसके अलावा ये क्लीन करने में भी इजी होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनिशियल रेडियो एक्टिव एटम दैट अंडरगोज डिसइंटीग्रेशन इज कॉल्ड व्हाइल द एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड। जो इनिशियल रेडियो एक्टिव एटम होता है जो डिसइंटीग्रेशन के द्वारा स्टेबिलिटी प्राप्त करता है, वो एटम पेरेंट न्यूक्लियाई कहलाता है। वो एटम पेरेंट न्यूक्लियाई कहलाता है, तथा ये पेरेंट न्यूक्लियाई डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है। डॉटर न्यूक्लियाई रेडियो एक्टिव हो भी सकता है और रेडियो एक्टिव नहीं भी हो सकता है। तो इसका आंसर होगा थर्ड, पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसर द टोटल प्रोसेसिंग टाइम इज ओनली। ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग में टोटल प्रोसेसिंग टाइम 90 सेकंड का होता है, जिसमें डेवलपिंग, फिक्सिंग, वाटर वॉश, ड्राइंग प्रोसेस सारे शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपी एक्जियल रोडेटिक प्रोजेक्शन ऑफ द चेस्ट इज डन टू डेमोन्स्ट्रेट बेस ऑफ द लंग्स, एपेक्स ऑफ द लंग्स, हाइलम ऑफ द लंग्स, रिब्स। एपी लोडेटिक प्रोजेक्शन लंग एपेक्स को देखने के लिए किया जाता है। कई बार लंग्स के एपेक्स होते हैं वो क्लेविकल के नीचे ऑब्स्क्योर हो जाते हैं, तो उन्हें सेपरेट करने के लिए हम एपी लोडोटिक प्रोजेक्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कोटी डॉग प्रोजेक्शन ऑफ स्पाइन इज आल्सो कॉल्ड पीए ओब्लिक, एपी ओब्लिक, राइट लेटरल, लेफ्ट लेटरल प्रोजेक्शन। स्पाइन का स्कोटी डॉग प्रोजेक्शन एपी ओब्लिक कहलाता है। इसमें स्पाइन के जो पोस्टीरियर एलिमेंट होते हैं वो स्कोटी डॉग अपीयरेंस देते हैं, वो स्कोटी डॉग की तरह से लगते हैं। स्कोटी डॉग एक डॉग ब्रीड है जो अपीयरेंस हमें एपी ओब्लिक प्रोजेक्शन में मिलती है। तो रेडियोग्राफी इन हिंदी के 5 मिनट 5 क्वेश्चन सेगमेंट में आज के क्वेश्चन कंप्लीट है। एक नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।